नमस्ते आंटी। यस, पहचाना मुझे? मैं ईशा, ईशा सिंघानिया। 10 साल पहले हम आपके पड़ोसी थे, मोहित की बेस्ट फ्रेंड। ईशा, ईशा बेटा, तुम सिंगापुर से वापस कब आई? बस अभी 2 घंटे पहले सीधा आपके यहाँ ही आई हूँ। अब यहाँ तो सब कुछ चेंज सा हो गया है, सो आई थॉट आपके यहाँ ही रुक जाऊँ। मैं चीप तो नहीं हो रही हूँ ना? आई कैन स्टे हियर, राइट? मतलब बचपन में भी तो मैं यहाँ ही रहती थी मोस्ट ऑफ द टाइम मोहित के साथ, और जितने वीक्स भी यहाँ हूँ आई वॉन्ट टू लिव एवरी मोमेंट आई लेफ्ट बिहाइंड। तुम अभी भी इतना ही बकबक करती हो जितना बचपन में किया करती थी। वैसे मोहित कहाँ है और मनीष अंकल ऑफिस गए हैं क्या? ईशा बेटा, मनीष तो हमें 7 साल पहले ही छोड़ के चले गए, और उन्होंने अपना नंबर भी चेंज कर लिया। उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि उनका बेटा मोहित कैसा है। हम सॉरी आंटी। इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं। मैं तो मनीष को बहुत पहले ही भुला चुकी हूँ, और अब मोहित भी मूव ऑन कर रहा है उन्हें भूलने की। अब तुम आ गई हो ना, अब तुम उसे संभाल लेना। चल अंदर। ओए, तेरी कोई फ्रेंड आई है ईशा, तुझसे मिलने। ध्यान रखना, ज़बान पर कंट्रोल रहे। हमारे बीच में जो भी है ना, अगर वो किसी के सामने आया तुझे पता है ना क्या होगा? मोहित, ये देखो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड आई है सिंगापुर से तुमसे मिलने के लिए। ईशा, आई मिस यू मोहित। कर रहा था तू? हाँ, अपनी माँ को मारना चाहता है? इतनी हिम्मत आ गई तेरे अंदर? तू ऐसे नहीं सुधरेगा, तुझे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। चल। मोहित। जब तक तुझे तेरी गलती समझ नहीं आएगी ना, तब तक तू इसी कमरे में बंद रहेगा। मामा, मामा प्लीज। मोहित, गलती तो तूने की है, सजा तो तुझे मिलेगी। मैं कुछ नहीं कर सकती। मामा, 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 ओपन द डोर, मामा, मामा। मोहित बेटा, तू क्यों नहीं समझता है मैं और यश तेरे दुश्मन थोड़ी है। माँ हूं ना मैं तेरी, और यश तेरे पापा जैसा है। फिर क्यों करता है तू ऐसी हरकतें? पापा नहीं है वो। मुझे पता है कि तू तेरे पापा को बहुत मिस करता है। यश तेरे पापा की जगह कभी नहीं ले पाएगा, पर तुझे तुझे इन सब चीजों से आगे बढ़ना होगा। तूने अपने कितने साल उस आदमी के पीछे खराब किए, और हम कब तक तुझे ऐसे कमरे में बंद करके रखेंगे? बाहर जाएगा तो कब तक तेरे पीछे पीछे हम घूमते रहेंगे? तू
क्यों नहीं समझता है मेरी बात? अच्छा बेटा है तो चल चल अब ये नाश्ता कर ले। नमस्ते आंटी। यस, पहचानो मुझे? मैं ईशा, ईशा सिंघानिया। 10 साल पहले हम आपके पड़ोसी थे, मोहित की बेस्ट फ्रेंड। ईशा, ईशा बेटा तुम सिंगापुर से वापस कब आई? बस अभी 2 घंटे पहले सीधा आपके यहाँ ही आई हूँ। अब यहाँ तो सब कुछ चेंज सा हो गया है, सो आई थॉट आपके यहाँ ही रुक जाऊँ। मैं चीप तो नहीं हो रही हूँ ना? आई कैन स्टे हियर राइट? मतलब बचपन में भी तो मैं यहाँ ही रहती थी मोस्ट ऑफ द टाइम मोहित के साथ, और जितने विक्स भी यहाँ हो, I want to live every moment I left behind। तुम अभी भी इतना ही बकबक करती हो जितना बचपन में किया करती थी। वैसे मोहित कहाँ है और मनीष अंकल ऑफिस गए हैं क्या? ईशा बेटा, मनीष तो हमें 7 साल पहले ही छोड़ के चले गए, और उन्होंने अपना नंबर भी चेंज कर लिया। उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि उनका बेटा मोहित कैसा है। हम सॉरी आंटी। इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं। मैं तो मनीष को बहुत पहले ही भुला चुकी हूँ, और अब मोहित भी मूव ऑन कर रहा है उन्हें भूलने की। अब तुम आ गई हो ना, अब तुम उसे संभाल लेना। चल अंदर। ओए, तेरी कोई फ्रेंड आई है ईशा, तुझसे मिलने। ध्यान रखना, ज़बान पर कंट्रोल रहे। हमारे बीच में जो भी है ना, अगर वो किसी के सामने आया तुझे पता है ना क्या होगा? मोहित, ये देखो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड आई है सिंगापुर से तुमसे मिलने के लिए। ईशा, आई मिस यू मोहित। हाँ आंटी। यश प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। आई एम श्योर ही इज। मोहित तो 12 साल का था जब मनीष हमें छोड़ के चले गए थे। मैं तो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं मोहित को क्या संभालती? वो तो यश था जिसने आकर मुझे संभाल लिया। I'm sure you guys look amazing together. तुमने तो मुझे डरा ही दिया मोहित। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे बात करने आई हूँ। क्या बात है मोहित? I can sense that कुछ तो गड़बड़ है इस घर में। तुम्हारे और तुम्हारे स्टेप फादर यश के बीच का रिश्ता भी अजीब है। मोहित घबराओ मत, I can help you। हम तो बेस्ट फ्रेंड्स थे ना। बेस्ट फ्रेंड्स होती ना तो मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाती। मेरी फैमिली मूव कर रही थी, मुझे जाना पड़ा। ऑप्शन नहीं था मेरे पास, और इतने सालों में मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट ना ही तुम्हारे पास मोबाइल है
ना ही तुम सोशल मीडिया पर हो, यू आर कंप्लीटली डार्क। यू नो व्हाट मोहित, आई लव यू। रिमी, मुझे ईशा के बारे में जरूरी बात करनी है। हाँ यश, बोलो ना। तो लड़की ईशा मोहित के बहुत ज्यादा करीब जा रही है। अभी मैंने उसको मोहित के कमरे में देखा और वो लोग बातें कर रहे हैं। टेंशन वाली बात तो है यश, पर अगर हमने उसे ऐसे ही यहाँ से जाने को बोल दिया तो उसे हम पर शक हो जाएगा। तो क्या करें, जब तक कुछ बिगड़ नहीं जाता हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहे। मेरा वो मतलब नहीं था यश, हमें कुछ तो करना होगा, बट थोड़ा सोच समझ कर। मोहित, तुम अपने कमरे में जाओ, तुमने मेडिसिन लिया है ना, तो जाओ जाकर थोड़ा आराम कर लो। आंटी, मैं भी मम्मी पापा से बात कर लेती हूँ। ठीक। मोहित, तुम्हारी मम्मा जिस तरह से तुम्हें देखती है, आई हैव नोटिस्ड समथिंग ऑकवर्ड। क्या बात है मोहित, ट्रस्ट मी, यू कैन शेयर इट विद मी। ईशा, हमारे बीच में जो भी है ना, अगर वो किसी के सामने आया तुझे पता है ना क्या होगा? नहीं, मुझे बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे। मोहित प्लीज काम डाउन, प्लीज काम डाउन। मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वो पापा, बोलो मोहित। पापा कहीं नहीं गए थे, बहुत मर्डर्ड। मामा और यश ने मिलकर पापा को मार दिया और मैंने उन्हें देख लिया। उन्होंने लेकर पापा की बॉडी को कहीं डंप कर दिया और मुझे भी रूम में लॉक कर दिया ताकि मैं किसी को बता ना सकूं। अंकल को मारा? क्यों? टेंशन मत लो, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं निकालूंगी तुम्हें यहां से। लड़की थी ना यार, बोल। सॉरी, मैंने उसे सब बता दिया। सब बता दिया? यश, यश हमें उस लड़की को रोकना होगा।
ईशा, 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 ईशा। यश, वो कमरे में नहीं है। ईशा, 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 ईशा। वो इतने जल्दी घर से बाहर नहीं गई होगी, पक्का यहीं कहीं है। चलो ढूंढते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पुलिस आने वाली है। मैंने उनको कॉल करके सब बता दिया है। तुमने जो मुझसे कहा वो स्टेटमेंट तुम पुलिस के सामने दे दोगे ना? कम ऑन मोहित, यू कैन डू दिस। हिम्मत रखो, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेट्स गो। ईशा, तुम्हारे पास इस घर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। मोहित तो मेरा बेटा है, मैं इसे नहीं मार सकती। पर वो तो मेरी कुछ नहीं लगती है ना, मैं तुझे तो मार सकती हूँ ना। यश, मार दो इसे। मेरी मम्मा और उस यश का अफेयर काफी टाइम से चल रहा था। मैं हमेशा देखता था कि कैसे पापा के ऑफिस जाने के बाद अक्सर वो यश घर आया करता था। मम्मा और उस यश ने मुझे डरा के रखा था, इसलिए मैं कभी पापा को बता ही नहीं पाया। लेकिन उस दिन जब पापा ने उन्हें साथ देख लिया तो घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। And it killed Papa. Amy! The hell? कौन है तू? मेरी बीवी के साथ सोएगा साले? और उस दिन के बाद ना ही तो मैं कभी स्कूल गया और ना ही मुझे मोबाइल यूज करना अलाउड था। I was on a house arrest by them.